आज ये हमारे गोजमोह चेयरमैन साहब भी नेताओं के साथ आके यहाँ पे सारा हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, तो एक अच्छा जेस्चर है ये हम लोग के लिए कि हॉस्पिटल में बार बार सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनका हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और मेरा सभी जनता से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग घर में रहिए, प्लीज घर में रहिए, हॉस्पिटल मत आइए, अगर बीमार नहीं हॉस्पिटल में नहीं आना है, घर में रह के अपने को भी बचाइए, हम लोगों को भी बचाइए। ये बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, इतना मेरा बात मान लीजिए, आप लोग घर में रहिए, बाजार में भीड़ मत करिए, घर में रह के अपने आप को भी बचाइए, हम लोगों को भी बचाइए। तो तैयारी कैसे चल रही है हॉस्पिटल के अंदर? तैयारी तो एज यूजल पहले आप लोग देख चुके हैं, तैयारी मोटा मोटी ठीक ही है, सभी चल रहा है, जो पेशेंट आ रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग रेफर करेंगे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, कोई भी ऐसा आया तो आप लोग मीडिया लोग को भी पता चली जाएगा, इसके लिए घबराने कोई बात नहीं। एकदम घबराने से क्या होता है कि सभी हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे, अभी डिप्रेशन में किसी को नहीं जाना है, अपने आप को संभालिए, करते इसको भी एक समय में जाके हम लोग कोविड फ्री होंगे, ये मैसेज सबको पता रखना है। खाना ठीक से खाना है, क्योंकि मेरा बॉडी का इम्यूनिटी रहेगा तभी मैं कोविड से फाइट कर सकूंगा, इसीलिए खाना जो भी घर में मिले, ये नहीं कि मेरे को बाजार में दौड़ के आके मांस मछली खरीदना है, वो नहीं है, जो भी खाना आप लोग को मिले पेट भर के खाइए और अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, इससे क्या हुआ आप कोविड अगर लग भी गया तो फाइट कर सकते। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब पूरी तरह से तैयार है, तैयार वेल इक्विप्ड भी है। हाँ जी तैयार है हम लोग।